गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज का वीडियो एक मीशो हॉल वीडियो है। इससे पहले भी मैंने मीशो हॉल शेयर किया है, अगर आपने मेरा वो मीशो हॉल नहीं देखा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैंने अपने इस वीडियो में आपको क्या क्या दिखाया है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि मीशो है क्या। मीशो इंडिया का नंबर वन रीसेलिंग ऐप है, जिससे आप घर बैठे अच्छा खासा इनकम पा सकते हैं। सिर्फ आपकी सोशल नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए। मीशो से प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर, और अपने क्लाइंट को दिखा करके उसमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये हो गई मीशो की छोटी सी जानकारी। एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों को मीशो के बारे में तो मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम था उनको मैंने बताया है। और मीशो की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप मेरी लिंक के थ्रू भी मीशो को डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी फर्स्ट परचेसिंग पे 30% डिस्काउंट या फिर 100 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो आपके साथ फर्स्ट कुर्ती शेयर करने वाली हूँ वो है एक चिकनकारी कुर्ती। जैसा कि समर आ गया है, समर में लाइट कलर के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, और स्पेशली समर में लोग ज़्यादातर चिकनकारी जिन्हें पसंद है वो ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। तो ये चिकनकारी कुर्ती है, जॉर्जेट का इसका कपड़ा है। हाँ, इसका कपड़ा पतला है तो आपको इसके अंदर इनर पहनना पड़ेगा। काफ़ी सारी कुर्तियों में मीशो पे आप देखेंगे तो इनर भी प्रोवाइड वो करते हैं, बट इसमें प्रोवाइड नहीं हुआ है। तो आप चाहे इस कलर की भी इनर पहन सकते हैं या फिर आप वाइट कलर की भी पहनेंगे तो चलेगा। पूरा इसमें थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वर्क है, आप देख सकते हैं काफी, और बहुत नीट एंड क्लीन वर्क है, कहीं से भी कोई धागा नहीं निकला हुआ है। फुल स्लीव्स की ये कुर्ती है, इस तरीके का इसका नेक डिजाइन है, एंड पीछे भी छोटा सा एक डिजाइन दिया गया है। बहुत इसका सॉफ्ट कपड़ा है और बहुत हल्की कुर्ती है। गर्मियों में जैसे लोगों को भारी भारी कपड़े पहनने की आदत नहीं होती है, जिन्हें बहुत चुभन होती है, बहुत जलन होती है, उनके लिए कुर्ती बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ट्राई ऑन हॉल में आप देख सकते हैं कि ये कुर्ती मेरे ऊपर कैसी लग रही है। पीछे इसमें पूरे वर्क है, छोटा छोटा बूटी का आप देख सकते हैं, और इसकी नेक डिजाइन भी बहुत ही प्यारी है। इसकी स्लीव्स में भी डिजाइन दी गई है। तो ये रही मेरी फर्स्ट कुर्ती, अगर आपको पसंद आएगी तो मैं इसका लिंक मीशो पे लिंक नहीं होते कोड्स होते हैं, तो मैं इसका कोड प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे कोड को चेक करके जा करके वहां से परचेस कर सकते हैं। सेकंड कुर्ती जो है, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने वो कुर्ती देखी होगी, वो हर वेबसाइट पे मीशो पे, अमेजोन पे, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, सब पे ट्रेंडिंग में रही है, और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इसका बहुत पहले ही रिव्यू कर चुके हैं। वो है AKS ब्रांड की अनारकली कुर्ती। इसका कलर देखिए, इसका कलर कितना प्यारा है, राउंड नेक है इसका, एंड गोटा पट्टी का स्लीव्स में वर्क किया गया है। स्मार्ट स्लीव्स है इसकी, यहाँ तक आती है, आप ट्राई ऑन हॉल में देख सकते हैं। एंड ये डोरी दी गई है साइड में इसको टाई अप करने के लिए, अगर आपको ये ढीला लगता है तो आप इसे टाई अप कर लीजिए। और फुल घेरे वाली कुर्ती, आप देखिए कितना अच्छा खासा घेरा है, बहुत अच्छी कुर्ती है, और प्योर कॉटन की कुर्ती है, कोई मिक्स कपड़ा नहीं है। वैसे भी अस ब्रांड की कुर्तियां बहुत अच्छी होती हैं, अनारकली कुर्ती है, बहुत ही अच्छी है। आप ट्राई ऑन हॉल में देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा घेर वाली कुर्ती है, और ये मेरी फेवरेट कुर्ती भी है क्योंकि मुझे अनारकली कुर्तियां पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। पीछे इसमें कोई वर्क नहीं दिया है, और ये थोड़ा सा राजस्थानी लुक पे है क्योंकि इस पर लहरिया वाला वर्क किया गया है,
ग्रीन कलर समर्स में बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली कॉटन हो तो और भी ज्यादा अच्छा। एंड थर्ड कुर्ती जो है मेरी वो है ये ब्लू कुर्ती। अगर मेरे हॉल वीडियो में ब्लू कलर येलो कलर ना हो तो मेरा हॉल अधूरा है। ये कुर्ती देखिए, ये भी अनारकली कुर्ती है और आप इसे मैक्सी ड्रेस भी बोल सकते हैं। पूरे पे ऐसे इसमें प्रिंट दिया गया है आगे पीछे दोनों तरफ। 3/4 इसकी स्लीव्स है एंड ऐसा इसका नेक है, मैं आपको दिखा रही हूं। सारी कुर्तियों में मेरा साइज M है, मैं इसलिए बता रही हूं कि अगर आप मेरी पर्सनालिटी के हूं तो मेरी जो कुर्तियां हैं सबका साइज M है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना। इसका कपड़ा जो है ना वो कॉटन और क्रैप थोड़ा मिक्स करके है, प्योर कॉटन नहीं है, बट इसका कपड़ा इतना मोटा है कि आपको अगर आप अंदर वो नहीं पहन रहे, इनर नहीं पहन रहे, लाइनिंग नहीं पहन रहे हैं तो भी चलेगा। ट्राई ऑन हॉल में आप देख सकते हैं कि कुर्ती मेरे पर कितनी प्यारी लग रही है। अगर आप इसके साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पेयर करें तो बहुत अच्छा लुक क्रिएट हो जाएगा। एंड मेरी जो लास्ट कुर्ती है वो तो मेरी फेवरेट है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये है बांधनी कुर्ती। ये देखिए, सुपर नेट इसका कपड़ा है, नेक पे इसके पूरा गोटा पट्टी का वर्क किया गया है, कॉलर नेक पे लेकर के है एंड 3/4 इसकी स्लीव्स हैं। इसकी स्लीव्स में भी गोटा पट्टी का वर्क किया गया है दोनों साइड। पीछे से पूरी ये ऐसी है, दोनों साइड से इसमें स्लिंट है एंड नीचे भी इसमें गोटा पट्टी का वर्क किया गया है। आजकल कंट्रास्ट का थोड़ा सा ट्रेंड कम हो रहा है एक ही पेयर में, यानी अगर आप इसे रेड कलर की कुर्ती के साथ और रेड दुपट्टे के साथ भी वेयर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, येलो कलर के साथ बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे पूजा में पहन सकते हैं, हल्दी फंक्शन में पहन सकते हैं, तो छोटे मोटे गेट टुगेदर में भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। पार्टी वेयर थोड़ी सी कुर्ती है, अगर आप इसे अच्छे से पेयर अप करेंगे तो ये एक अच्छा पार्टी लुक क्रिएट करेगी। ट्राई ऑन हॉल में अपने एक दीजिए मेरे। कुछ इस तरीके की कुर्ती है, ये भी M साइज में ही मेरी कुर्ती है। ये इसका भी कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आपको पसंद आए तो आप जाके परचेस कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा मीशो हॉल। अगर आपको मेरा मीशो हॉल जरा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। मैंने पहले भी बोला कि मीशो पे लिंक्स नहीं होते हैं, कोड्स होते हैं, तो सारी कुर्तियां जितनी भी मैंने आपको दिखाई हैं सबके कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विथ लिंक मेंशन कर दूंगी। अगर आपको कोई भी कुर्ती पसंद आती है तो आप मीशो से डायरेक्ट जाकर के उसे परचेस कर सकते हैं। एंड अगर आपका सोशल नेटवर्किंग अच्छा है तो आप मीशो से रीसेलिंग भी कर सकते हैं। आप अपनी जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उसकी इमेज फेसबुक इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे सेंड करिए। अगर आपके जिनको आप रीसेल कर रहे हैं उनको पसंद आती है तो वो उसका प्राइस पूछेंगे आपसे, प्राइस में आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उन्हें बता सकते हैं और जब वो उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेंगे तो जो भी प्रॉफिट मार्जिन आपने ऐड किया है वो आपके सीधे डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा। जब तक 2,000 रुपए नहीं हो जाएंगे तब तक आपको मीशो से पैसे नहीं मिलेंगे, कम से कम आपके अकाउंट में 2,000 रुपए होने ही चाहिए। ऐसा मेरे साथ हुआ इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं सबका नहीं जानती हूँ इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया।
एंड मेरा ये मीशो हॉल वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बगल में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तब मैं अगला फिर से मीशो हॉल आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय।